नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विजयादशमी की। देश भर में मची धूम के साथ उत्सव का माहौल दिल्ली से लेकर पटना तक हर ओर देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला मैदान की। सबसे पहले लाल किला मैदान पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम दिग्गज हस्तियां पहुंची। रामलीला मैदान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल पहुंचे। ये है दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला मैदान की तस्वीरें। राजधानी सहित देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह रावण के पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। पटना की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में सबसे पहले रावण दहन का आयोजन किया गया, उसके बाद दिल्ली के लाल किला मैदान पर और फिर रामलीला मैदान पर रावण दहन का आयोजन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी और पूरे देश में दशहरे की धूम। और ये तीन तस्वीरें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में इसी हर्षोल्लास के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। दशहरे की ये धूम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल खबर आगरा से है। आगरा में ट्रैक्टर लूट के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही और इस मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया। आगरा के थाना एतमादपुर में इस हंगामे और तोड़फोड़ की वजह है पुलिस हिरासत में हुई मौत। दरअसल थाना एतमादपुर इलाके में गुरुवार की देर शाम पुलिस को ईंट से भरे एक ट्रैक्टर के लूटे जाने की सूचना मिली। पुलिस और लुटेरों के बीच कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने विजयपाल नाम के आरोपी को हिरासत में लिया। इसके कुछ समय बाद आरोपी विजयपाल की मौत हो गई। विजयपाल की मौत की सूचना मिलते ही परिजन थाने पहुंच गए और थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये घर से गया था सौदा लेने के लिए चौराहे पे, वहाँ से ये पुलिस पकड़ के लाई। हम यहाँ थाने आए, हमको मारपीट के हमको भगा दिया। रात में लगभग 8:30 बजे थाना एतमादपुर में एक सूचना मिली कि ये एक कई लोगों ने ट्रैक्टर लूट लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने विजयपाल की पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था जहाँ उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई थी। गुड़गांव की घटना आपको याद होगी। रोहित भारद्वाज नाम के BBA के छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस को अहम सबूत के तौर पर उस दिन की CCTV फुटेज मिली है। क्या हुआ था उस रात को इस CCTV फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है। CCTV कैमरे की ये फुटेज गुड़गांव के उसी सुभाष नगर की है जहां 19 अक्टूबर की रात बर्थडे पार्टी चल रही थी। म्यूजिक बजाने को लेकर DJ से रोहित के झगड़े के बाद की कहानी CCTV की ये फुटेज बयां कर रही है। फुटेज के मुताबिक 12:20 पर एक लड़का अचानक पार्टी से बाहर आया और पास रखे डंडे को उठाकर गुस्से में फुटपाथ पर मारने लगा। इसके बाद और भी युवक बाहर आ गए। झगड़े के बाद रात 12:29 पर रोहित भी पार्टी से बाहर आया। उसी दौरान हाथ में डंडा लिए एक आरोपी ने रोहित के सिर पर जोर से हमला किया। डंडे का वार इतना तेज था कि रोहित एक ही वार में जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद एक दोस्त रोहित को सहारा देकर वहां से ले गया। बाद में रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले में कुछ और आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर से भी एक सनसनीखेज खबर सामने आई। 7 महीने से एक प्रॉपर्टी डीलर गायब था। पुलिस को उसकी लाश उसके घर के नजदीक ही एक गड्ढे में दफन मिली। क्या है मौन व्रत मैसेज और मर्डर के बीच का कनेक्शन, देखिए। सवाई माधोपुर पुलिस के होश उस वक्त फाकता हो गए जब एक प्रॉपर्टी डीलर की लाश उसके घर के सामने गड्ढे में दफन मिली। हद तो ये है कि नौकर ने 7 महीने पहले हत्या कर शव को फ्लैट के सामने ही दफन कर दिया था और अब तक नौकर रिश्तेदारों को ये कहकर गुमराह करता रहा कि राकेश जैन मौन व्रत पर हैं, इसलिए वो सिर्फ मैसेज के जरिए ही जवाब देंगे। सवाई माधोपुर में रहने वाले राकेश के परिजन जब जयपुर आए तो कहा गया कि वो आश्रम गए हैं और कुछ दिन बाद लौटेंगे। शक होने पर राकेश के पिता राजेंद्र जैन ने सवाई माधोपुर में 7 अक्टूबर को केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी नौकर ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ। उसके फादर और लोगों से पूछताछ की तो पता चला उसके साथ एक नौकर ओम प्रकाश राजपुरोहित करके था, वो काम करता था, जिसकी आईडी जोधपुर की थी। फिलहाल पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है। मध्य प्रदेश के सागर से खुदकुशी का एक मामला सामने आया है। एक चपरासी ने जज दंपत्ति पर गंभीर आरोप लगाया। उसने अपने खुदकुशी के नोट में लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है कि ये जज दंपत्ति उससे जबरदस्ती काम कराते थे। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी है। उसने लिखा है कि अगर पुलिस ने उसकी चिट्ठी को छुपाने की कोशिश की तो वो भूत बनकर पुलिस को परेशान करेगा। सागर के शास्त्री वार्ड में रहने वाले सूरज यादव के आत्महत्या करने से पहले लिखे 2 पन्ने के इस पत्र में एक चपरासी की प्रताड़ना की दास्तान लिखी है। सागर जिला कोर्ट में तैनात जज दंपति बीपी मरकान और रेखा मरकान का नाम लिखकर अदालत के चपरासी ने आरोप लगाया है कि जज घर में बेगारी का काम कराते थे। सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर हम लोग इसी तरह चुप रहे तो यूं ही मरते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शिकायत करो तो नौकरी से बाहर ट्रांसफर करने की धमकी दी जाती है। अगर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। यही नहीं, सूरज ने फांसी लगाने से पहले व्हाट्सएप पर कुछ वकीलों और दोस्तों को मैसेज किए। उल्टे सीधे बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, सहाबा मैडम ज्यादा करती है, कोर्ट का काम भी देखो, इधर का काम भी देखो। सूरज यादव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चपरासी का काम करता था और उसने कुछ कारणों के आधार पर सुसाइड किया है। मामले की जाँच की जा रही, कुछ व्यक्तियों के नाम उसने सुसाइड नोट में इंगित किए हैं और उनको पूरी जांच में समाहित किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त लोगों ने मोतीनगर थाने के सामने सूरज का शव रखकर चक्का जाम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के एक बयान की वजह से सरकार सवालों के घेरे में आई। विपक्ष ने जमकर आरोप लगाए। दरअसल उत्तर भारतीयों को लेकर गृह राज्य मंत्री ने एक बयान दिया था। उनके मुताबिक उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में गर्व का अनुभव होता है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी। सिटीजन्स ठीक नहीं है, इनडिसिप्लिन है, 10 बार बोलने का बात नहीं मानता है तो फिर दंडा तो चलाना पड़ेगा। फिर तो दिल्ली के पूर्व राज्यपाल के बयान से सहमति जताते वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। असल में रिजिजू दिल्ली के उपराज्यपाल रहे तेजेंद्र खन्ना के फरवरी 2008 के उस बयान का समर्थन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की खासियत कानून का उल्लंघन कर शेखी मारने में सम्मान और गर्व का भाव होना बताया। आपराधिक प्रवृत्ति अपराध करने वाला और कानून तोड़ने वाला बताकर पूरे देश का उत्तर भारतीयों समेत घोर अपमान किया है। बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है किरण रिजिजू का। बयान पर हंगामे के बाद बिहार के चुनावी घमासान में घिरी बीजेपी को बैकफुट पर आने में देर न लगी और बाद में खुद बयानवीर रिजिजू सफाई देने पर मजबूर हुए। पूरा समाज को लागू होता है, ये सिर्फ एक सेक्शन नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ईस्ट इंडियन वेस्ट इंडियन ऐसे नहीं होता है, ये समाज को लागू होता है और समाज को समझना पड़ेगा। अभी सरकार किरण रिजिजू जी के बयान से निपट ही रही थी कि इस बीच एक और बयान ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कहीं किसी कुत्ते को पत्थर भी मारा जाता है तो सरकार पर आरोप लगने लगते हैं, जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हालांकि इस पर वीके सिंह ने अपनी सफाई दी। रिजिजू पुराण से बीजेपी निपट भी नहीं पाई थी कि जनरल वीके सिंह का बयान पार्टी के मथे पड़ गया।
बल्लभगढ़ में दलित परिवार के बच्चों की निरशंस हत्या पर बयानबाजी में जो सावधानी और संवेदनशीलता की जरूरत थी, आरोप है कि सिंह कुत्ते को पत्थर मारने से तुलना कर सब गड़बड़ कर गए। सिंह के बयान के बाद उनकी भी लानत मलाना शुरू हो गई और इस्तीफा मांगा जाने लगा। अगर किसी को केस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन ना तो ये सेंटेंसेस रिलेटेड है ना इनके अंदर ऐसी कोई भावना है। मामले के तूल पकड़ने के बाद वीके सिंह ने फौज में रहते देश के प्रति निष्ठा से काम करने की दुहाई दी और कहा कि उनकी नियत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं देश दिन भर और अब बात करते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की, जिनके बारे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का अफसोस है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वो अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस ले लेंगे। दरअसल ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि बहुत जल्दी उनकी मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके बारे में जानकारी दी खुद मुनव्वर राणा ने। उर्दू के अजीम शायर मुनव्वर राणा अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। मुनव्वर राणा के मुताबिक उन्हें यकीन था पीएम तक आवाज जरूर पहुंचेगी और वो बातचीत के लिए जरूर बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर से कोई विवाद ना हो, इसलिए वो पीएम से अकेले नहीं मिलने जा रहे। इसलिए उन्होंने पीएमओ से गुजारिश की कि कम से कम 10 साहित्यकारों को बुला लें और उनमें एक नाम उनका भी शामिल कर लें। ऐसे लोगों से अगर प्रधानमंत्री पढ़ते मिलते हैं तो पूरी दुनिया को यह मालूम हो जाएगा कि सचमुच हिंदुस्तान में सरस्वती मां रहती हैं और उनके पुत्रों का सम्मान दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही करता है। राणा ने साफ किया कि इस बुलावे को राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। उन्होंने कहा कि ये पीएम का बड़प्पन है जो उन्होंने एक साहित्यकार को मिलने के लिए बुलाया है। रायबरेली के रहने वाले मुनव्वर राणा ने पिछले रविवार एक लाइव टीवी शो के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया, नई राजधानी अमरावती। 1800 साल बाद अमरावती एक बार फिर राजधानी बनेगी और इस बार अमरावती को लेकर सिर्फ आंध्र प्रदेश की निगाहें नहीं रहेंगी बल्कि पूरा देश इस ओर नजर डालेगा कि अमरावती को कैसे एक आदर्श शहर के तौर पर, आदर्श राजधानी के तौर पर डेवलप किया जाता है, जिसमें सिंगापुर और जापान जैसे देश भी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बसाने के लिए नींव रखी। शहर का शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। यह आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ने जिस जगह नींव रखी वहाँ आंध्र प्रदेश की विधानसभा का भवन बनाया जाएगा। अमरावती नए रंग रूप के साथ, नए आधुनिक साज सज्जा के साथ आंध्र के आशा अपेक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रही है और एक प्रकार से सच्चे अर्थ में पीपल्स कैपिटल बनने जा रही है। नायडू की सरकार ने अमरावती के लिए 28 गांवों की 32,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। शहर को बसाने के लिए सरकार के पास अब कुल 50,000 एकड़ जमीन है। भारत में ये पहला मौका है जब कोई राजधानी इस तरह लैंड पूलिंग योजना के तहत बसाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर की सरकारी एजेंसियों ने इस पूरे कार्यक्रम का मास्टर प्लान तैयार करने में मदद की है। सरकार उम्मीद कर रही है कि राज्य की नई राजधानी 2024 तक तैयार हो जाएगी। कई मशहूर फिल्मी गानों में और पंजाबी गानों में अपनी आवाज देने वाले लव जंजुआ संदिग्ध हालत में अपने फ्लैट में मृत पाए गए। मौजा ही मौजा, लंदन ठुमकदा, सोनी दिनकरे, डांस पर चांस मार ले, पापे प्यार कर दे पछताया जैसे गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले पंजाबी गायक लव जंजुआ आज सुबह गोरेगांव के अपने घर में मृत पाए गए। लव जंजुआ के दोस्त ऋषि राज की माने तो बुधवार शाम को पेट दर्द की शिकायत के बाद लव को हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने दवा दे दी। उस समय सब ठीक था। ये भी बताया जा रहा है कि वो शुगर के मरीज थे। फिलहाल उनकी मौत कैसे हुई इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। लव जंजुआ भांगड़ा और हिप हॉप गानों के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने फिल्मों में 140 से ज्यादा हिंदी और पंजाबी गाने गाए हैं। और देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7।